मधेपुरा के धैलाड़ थाना क्षेत्र के चिकनोटवा गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक घायल, दो अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों की माने तो हादसे के वक्त घटना स्थल पर 5 लोग मौजूद थे और अचानक ईंट भट्टे की दीवार गिर गई, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबा हटाने के लिए JCB मंगवाई और मलबा हटाने का काम किया गया। हालांकि इसमें दो लापता मजदूर अब तक नहीं मिले हैं। पटना में इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही SSP ने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता 2 फरवरी को गिरफ्तार हो चुका है और दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऋतुराज ने पूछताछ के दौरान बताया था कि अपराधी का मोबाइल घटना के एक दिन पहले खुला और उसका लोकेशन कंकड़बाड़ में मिला था। आपको बता दें कि ऋतुराज की गिरफ्तारी के बाद दूसरा आरोपी लगातार अपने घर से भाग रहा था, जिसके चलते आरोपी दिल्ली भाग गया था और कुम्हर्रा गांव में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया है अब इस हथियार से गोली चली है या नहीं चली है, ये अगेन हम लोग FSL भेजेंगे और FSL भेज के मैच कराएंगे। वो किस घटना में इस्तेमाल किया होगा पता नहीं, ये तो घटना से 70 दिन बाद का ये चीज़ है, तो इसको हम लोग भेजेंगे। ये चारों दोस्त हैं, ये चारों लोग जो हैं वो दोस्त हैं, डेली सुबह शाम का उठना बैठना है मुन्ना चौक पर। अब जब आप लोग जान गए हैं मुन्ना चौक के बारे में, तब जब आप लोग अनुसंधान करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि ये लोगों की दोस्ती कितनी गहरी थी। उस दोस्ती में इस तरह की बात आई और बातों बातों में इस तरह की घटना घटी और जिस तरह का ट्रिवियल रीज़न बाहर निकल के आया, सबको चौंकाया, हम लोगों को भी चौंकाया। लेकिन दूसरी गिरफ्तारी के बाद हम लोग के पास एक लेयर और है सपोर्ट करने के लिए कि यस दिस इज़ द मोटिव। अभी सुशासन की सरकार में अपराधियों का हौसला और बुलंद होता जा रहा है। हालांकि राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने पुलिस को सशक्त बनाने के लिए एक और कानून को विधानसभा में पास करने के बावजूद अपराधी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गुरुवार को DB कॉलेज के पास मुख्य सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर 2 हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने युवक पर ताबड़तोड़ 3 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे युवक के दाहिने जांघ में गोली लग गई, जबकि एक गोली सीने को छूकर निकल गई, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और बेहोश है। आनन फानन में लोगों ने इलाज के लिए उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, इनसे बड़ा झूठ व्यक्ति पृथ्वी पर कोई और नहीं है, जो आप सब लोगों ने इस सत्र में देखा है। तेजस्वी बोले, जितने भी तार्किक हमारे प्रश्न रहे हैं, कोई भी तार्किक जवाब पूरे सरकार ने मुख्यमंत्री सहित किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं देने का काम किया है। बहस का स्तर सरकार के मंत्रियों ने इतना गिरा दिया है कि सरकार के मंत्रियों ने स्तर को इस लेवल पर गिरा दिया है। उन्होंने कहा है कि आप फुटेज देख सकते हैं, सब कुछ है, जिस प्रकार से पूरे सदन में बंदूक की नोक पर जो कुछ हुआ है, बिल पेश किया गया है, उन अधिकारियों को नीतीश कुमार क्लीन चिट दे रहे हैं। यही कारण है कि कोई घटना होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को क्लीन चिट देने का काम करते हैं। तारीख करने का आपके सब पुलिस के सामने कोई घटना हो रही हो तो गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे काले कानून लगा रहे कि सोशल मीडिया में आप लिखो तो आपको जेल में बंद कर देगा, सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल में बंद कर देगा, सदन में हम खड़े होकर विरोध करें तो हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म नीतीश कुमार जी में अब नहीं रह गई, शर्म और नैतिकता को उन्होंने बेच दिया। अब तो ज्यादा दिन, कितना दिन कोई एक पद पे रहेगा, मुख्यमंत्री के पद पे कोई परमानेंट आज तक तो हुआ नहीं।
और ये अधिकारी लोगों को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। बगहा के भैरोगंज ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच हमने ग्राम पंचायत भैरोगंज पहुंचकर वहां की जनता और मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण बैठा से मुलाकात की और वहां के विकास के बारे में जानकारी ली। जनता ने बताया कि हमारे मुखिया द्वारा सारे काम करा दिए गए हैं, चाहे वो नल जल का काम हो या फिर कुछ और। आगे जनता ने बताया कि इस बार जैसे मुखिया हमें नहीं मिले थे, इनके आने से विकास की गंगा बहने लगी है। इसी तरह के प्रतिनिधि पाकर हम बहुत खुश हैं, इस बार फिर से हम इन्हें मौका देंगे। वहीं मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण बैठा ने बताया कि हमें अपने क्षेत्र में जनता की तरफ से बहुत प्यार मिला है, हम इस क्षेत्र की जनता को अपने परिवार की तरह मानते हैं। आप देख रहे हैं जनता टीवी के खास कार्यक्रम मुखिया जी बोली ना। इस कार्यक्रम के तहत हम बगहा के भैरोगंज पंचायत में हैं। हमारे साथ इस पंचायत के तमाम जनता हैं और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे जनता से कि 5 साल होने को हो, मुखिया जरा कौन सा काम किया गया है इस पंचायत में। सबसे पहले हम जनता से सवाल करेंगे, मुखिया जी कौन काम किए हैं? PCC बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं और इंदिरा आवास सबको, मतलब जिनका आया लाभुकों को मिला है सुरक्षित, और पशु सेट आया है सरकार की तरफ से, वो सबको वितरण किया जा रहा है। मुखिया जी कौन सा काम किए हैं? मुखिया जी रोड PCC वगैरह बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं, पशु सेट बनवाए हैं, वृक्षारोपण वगैरह कराए हैं, इसके बाद आवास वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा दिए हैं, अधिक से अधिक विकास का काम हुआ है। जनरल में क्या काम किए हैं? जनरल में मतलब थी टंकियों वगैरह बना है, घर घर पानी पहुंचाया गया है, सबको सुविधा दिया गया है। मुखिया जरा कौन सा काम किया गया? सब काम किए हैं, नाली बनवाए हैं, सब पशु काम किए हैं, यहाँ पर रोड भी जितना है उतना प्रसारित सब धरवा के पौधा भी नहर पर लगाए हैं, इतना सब काम कर रहे हैं, इंद्रावास भी दे रहे हैं, सब काम अपना इतना में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहते हैं लेडीज से, मुखिया जी कौन काम किए हैं? इंद्रावास देती है कौन सा काम किए हैं चाची? KCC बनवानी हो, नल जल पानी चलानी हो, गांव घर घर गाछ रोपाई पेड़ी रोपाई लिए सन विदा पेंशन मिले ला? हाँ मिले ला। इंदिरा आवास दिले बड़ी मुखिया जी? ना हमारा नहीं। मुखिया जी कौन सा काम किए हैं? अब हम बात करना चाहेंगे मुखिया प्रतिनिधि से कि मुखिया जी द्वारा कौन कौन सा काम किया गया है। मुखिया जी प्रतिनिधि है, कौन सा काम किए हैं? ग्राम पंचायत राज भैरव में से बोल रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि। जितना जो विकास के काम आया है 14वीं से लेकर पंचम ले 15वीं वित्तीय से और 7 निश्चय से, जो भी 7 निश्चय में काम आया, गली नली से लेकर जल नल तक घर घर हम पानी पहुंचवा दिए, सभी 15 के 15 वार्ड में पहुंचा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे पंचायत भी जाकर देख लीजिए, घूम कर आप भी देख लीजिए। छठ घाट में क्या किए हैं? छठ घाट में छठिया घाट भी बनवा दिए हैं। किसानों के लिए क्या काम किए हैं? किसानों के लिए जो मनरेगा काम के तहत जितना काम है पॉइंट सफाई, उस सब पॉइंट सफाई करा दिए हैं, पोखरा भी खुलवा दिए हैं। इंदिरा आवास के क्षेत्र में कैसे काम किया? इंदिरा आवास के क्षेत्र में बहुत बढ़िया, जितना आवास लायक जितना व्यक्ति है उस सबको आवास दे दिए। उसके अलावा भी शौचालय काम जो भी है जितना हमारे पंचायत उसके ODF भी करा दिए हैं, पूरा शौचालय फाइनल कर दिया है, पेंशनधारी लोग पूरा पेंशन दिलवा दिए हैं। और अब क्या आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि फिर जनता के बीच हम आए, जनता हमको चुने, फिर जितना अधूरा काम है उसको हम पूरा कर देंगे। जो भी पंचायत के लोग की दिक्कत होगी, जो कमी हुई, जो जितना हमसे होने वाला हो, जितना सरकार से लाभ मिलने वाला होगा, हम सब दिलवा देंगे। मुखिया प्रतिनिधि द्वारा आपने पंचायत के तमाम कामों के बारे में गिनाए हैं, उनका कहना है कि इस बार फिर हमको जनता मौका देगी, 5 साल होने को चला है, फिर मौका देगी, फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और फिर चुनाव जीतकर जो अधूरा काम है उस काम को फिर हम पूरा करेंगे। जनता टीवी के लिए परवेज आलम बगहा।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।